Let's see Goldberg! 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 Meine Damen und Herren, Goldberg! 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 Und mit seinem Mutterbart! 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 Und mit seinem Mutterbart! Mutterbart! Modi ji ka 56 inch seena leke unko Assam mein aana chahiye. Kya Mutterbart! Mutterbart! बहुत खराब। हम तो दिल्ली में रह के ये सोच भी नहीं सकते कि उधर क्या हो रहा है। कल्चर ऑलरेडी खतरे में आ चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस समय हम आए हुए जंतर मंतर जहां पे लोग कैब को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे सरकार के खिलाफ रख रहे हैं। तो इसी को लेके हम बात करेंगे उस लोगों से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और आपकी मांगे क्या है? मैं असम से हूँ और हमारी मांग सिंपल सा है, आसान सा है, एक ही है कि कैब को हटाए, NRC को इम्प्लीमेंट करे, वही करने की हमारी मांग है बस। लेकिन सरकार तो लगातार यही कह रही कि NRC आके रहेगा, क्योंकि देखिए अब संसद से भी पास हो चुका है बिल और जैसा कि अमित शाह ने बयान दिया कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो क्या लग रहा है कि असम में भी अब शांति बनी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह ने बिल्कुल बोला है कि असम में सबने माना है, तो उनको असम में आके देखना चाहिए कि असम के लोगों ने कैसे माना है, या उनकी जगह पे उनको आर्मी भेज के लोगों को मारने की सहूलियत नहीं चाहिए, उनको खुद आके देखना चाहिए। मोदी जी का 56 इंच सीना लेके उनको असम में आना चाहिए, लोगों से बात करें। वो बोल रहे हैं हम मूर्ख, हमें समझ नहीं आता, हमें समझाए, हम कोई वायलेंट लोग है नहीं, हमको गोली मार के मारने से कोई फायदा होगा नहीं, हम प्रोटेस्ट खत्म करने वाले हैं नहीं, सालों साल रहेगा ये प्रोटेस्ट, जब तक वो हमें आके बात ना करे। हमें लगा था, असम के लोगों को ही लगा था कि असम में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज है कहाँ पे? आप बोलते हो, आप पूरा इंटरनेट ब्लैंकेट बैन कर देते हो, इंटरनेट आप हम कुछ कह नहीं सकते, न्यूज चैनल्स बैन कर देते हो, एक चैनल होता है जिसका ओनर है जो BJP का सबसे बड़ा सबसे कमीना लीडर है, तो वो डिस्पेंसेशन है, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। फिर मोदी जी दिल्ली से ट्वीट करते हैं कि असम के लोगों ने इसको माना है, असम के लोगों ने नहीं, बांग्लादेश के लोगों ने माना है जो बॉर्डर पार करके आएंगे, और हम असम के लोगों से अगर उनको लगता है कि हमने माना है, वो हमसे आके बात करें, वहाँ जाने की जरूरत है, जानते हैं मंत्र आए, हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करें, स्टूडेंट से बात करें, वो अगर उनको इतना वो जानते हैं असम के लोगों को, तो असम के लोगों के दर्द को भी महसूस करना चाहिए उन्हें। अच्छा, लगातार जैसा कि दिखाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि असम में प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे आ चुके, क्या लगता है कि इस समय जो असम के हालात हैं वो कैसे जा रहे हैं? बहुत खराब। हम तो दिल्ली में रह के ये सोच भी नहीं सकते कि उधर क्या हो रहा है, सिर्फ TV में देख सकते हैं, उधर इंटरनेट बंद हो गया है। मैंने मम्मी को कल कॉल किया था तो बैकग्राउंड में मुझे सुनाई देता है कि वो जो पुलिस की ब्लैंक फायर की गन शॉट्स वो हमारे घर के सामने हैं, तो बैकग्राउंड में वो सुनाई देता है, तो मम्मी भी परेशान है, हम इतना दूर में रहते तो बहुत ही ख़राब है, कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो गया क्योंकि इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि कारगिल का वॉर बन चुका है, क्योंकि असम एक सिटी थी, एक स्टेट था, और कहीं ना कहीं अब जैसा कि माहौल बन चुका है, वहाँ पे गोलियाँ चल रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तो क्या ये जम्मू कश्मीर जैसा नहीं बना दिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया, उससे बदतर हालात है जम्मू एंड कश्मीर से, और ये लोगों को, इंडिया के लोगों को ये समझना चाहिए कि कैब से सिर्फ असम कोई, और लोगों को ये लगता है कि असम के लोग ज़ेनोफोबिक है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 1940 असम एकॉर्ड का प्रोटेस्ट जब हुआ था उस समय हमने ये एग्री किया था कि 1947 से 71 तक जो भी बांग्लादेश हमारे देश में आए उनको हम लैंड देंगे, नौकरी देंगे, रिसोर्सेज देंगे, लेकिन उसका एक लिमिट होता है ना। अब ऐसे में लोगों, इसी तरह तो जम्मू कश्मीर के भी लोगों को एक तरीके से 370 जो था वो उनके साथ भी एक हमारा बिल हुआ था, एक समझौता हुआ था, लेकिन आज वो भी हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और असम को आप देख सकते हो। वही तो हम समझ नहीं पा रहे, हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं कॉलेज में कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी हमारे सेकुलरिज्म आइडियल्स है, बहुत कुछ है, लेकिन आप देखिए देश में पॉलिटिकल स्पेसिएशन देखिए, लोग कैसे रिलीजियस डिवाइड किया जा रहा है। हम असम के लोग रिलीजियस लाइन्स पे फाइट नहीं कर रहे, रिलीजन हज़ार बदल सकते हैं लेकिन जाति एक भी नहीं बदलेगा। हम SMEs हैं, हम SMEs लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, SMEs कल्चर के लिए फाइट कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि इतनी बढ़िया हालात है तो वो आके देखे, और बाकी कुछ भी नहीं, वो देश की असम की इकोनॉमिक हालत देखे। SMEs लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हम बाहर आके पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके नौकरी नहीं हमारे लिए, और वो बाहर से लोगों को लाने की बात करें, अगर वो उनको इतना ही लगता है कि असम में हालत सही है, मैं बस इतनी गुजारिश करता हूँ मोदी जी से और अमित शाह से कि वो असम में आए, लोगों से बात करें, लोगों को समझाएं और लोगों से पता करें कि असम के लोगों ने कितना माना है उनको और कितना एग्री कर रहे हैं असम एकॉर्ड से। आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से कैब लागू किया गया है और चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही है, आगे ये प्रोसेस भी बढ़ेगा, तो क्या ये पर्टिकुलर रिलीजन को लेके किया जा रहा है या फिर पूरे ऑल इंडिया को लेके चला जा रहा है? देखिए, BJP का तो क्लियर मोटिव है कि ये रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है, ये लोग हिंदू को लाएंगे, जैन को लाएंगे, बुद्धिस्ट को लाएंगे, क्रिश्चियंस को नहीं ला रहे, मुस्लिम्स को नहीं ला रहे, उनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है,
लेकिन जो हम लोग असमिस लोग हैं ना, हम इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, हम इसको कल्चरल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्योंकि अगर ये हिंदू बांग्लादेश से आ जाएंगे, ये लोग बंगाली पीपल होंगे, ये लोग बंगाली स्पीकिंग पीपल होंगे, ये जब आएंगे ना तो ये लोग बंगाली बोलेंगे, हम लोग असमिस कल्चर और हम लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे। अभी त्रिपुरा में वही चल रहा है, उनके इंडिजीनियस पीपल माइनॉरिटीज़ बन गए हैं। अभी हमें वो नहीं चाहिए, हम माइनॉरिटीज़ बनना नहीं चाहते किसी भी हालत पे, इसलिए हमको कदाई कैब मंजूर नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इससे कितना कल्चर को आपके खतरा होगा? कल्चर ऑलरेडी खतरे में आ चुका है, ये आज की बात नहीं है। 1979 में जब असम एजिटेशन हुआ था तो 1985 तक ये एजिटेशन चला था, और तब से लेके असम में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़ चुका है। वहाँ पे अभी 40 लाख बांग्लादेशी लोग हैं असम में, तो ये अब की बात नहीं है। हमें पता है कि कैसे चेंज हुआ है कि असम के एक पार्ट में असमिस कल्चर खो चुका है, वहाँ पे है ही नहीं अभी। तो हम ये नहीं चाहते कि पूरे असम में ये हो जाए। और देखिए, ये आज की बात नहीं है, और 40 लाख अगर अभी सिटीजनशिप मिल जाए तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे, और ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से चल रहा है। अच्छा, आप भी कुछ इसको लेके बोलना चाहते थे? तो जी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी अपने खुद के जो बातें बोलती है उसी को इंप्लीमेंट कर ले, कोई नई बात लाने की जरूरत नहीं हो। जो खुद हमारा जो अभी पपेट चीफ मिनिस्टर असम में इलेक्टेड है सर्बानंद सोनोवाल, वो इसी बेसिस पे आए थे कि वो असम अकॉर्ड में लीड कर रहे थे, उन्होंने यही बोला था कि हम एनआरसी को इंप्लीमेंट करेंगे, इसीलिए लोगों ने उनको वोट देकर इलेक्ट किया था। अब आके वो बोल रहे कि मोदी जी ने हमें, लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर का कोई पावर नहीं। चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा पावर है चीफ मिनिस्टर के। अब अमित शाह जो बोल रहे हैं वो बातों बात मान रहे, वो बोले अमित शाह जी ने बोला है तो हमें करना होगा, ये कौन सी बात होगी? चीफ मिनिस्टर को हमने इलेक्ट किया, हमने मोदी जी को देश के लिए इलेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को तो हमने असम को प्रोटेक्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।